हाय, विश कर रहे हो या आशीर्वाद दे रहे हो? लो, अब ट्रैफिक कंट्रोल करने लगे, जल्दी जाओ और हाले दिल बयान करो। आप मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ठीक है, मैं बैठ के ही बोल देता हूँ। क्या बोलेंगे? जी जी आए। आप मुझे जानती है ना? ऑफ कोर्स, आप रोशनी के भाई हैं। रोशनी? मेरी सहेली, आपकी बहन। या ऑफ कोर्स, आपकी सहेली और मेरी बहन। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। जी जी, मेरा मतलब है कि ये बार और झाड़ की कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है ना। गौरव मियां, बार और झाड़ की तारीफ बंद कर और इनकी तारीफ कर। इनकी करूंगा, जरूर करूंगा। क्या करेंगे आप? जी जी, मेरा मतलब है कि आपने आके कमरे देखे? जी नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। आपका मतलब क्या है? नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ के होटल में 340 कमरे और होटल के बाथरूम में 24 घंटे हॉट एंड कोल्ड वाटर आता है। अबे तू लवर बनने आया है या प्लम्बर बनने? चल जल्दी बोल, यही तो मौका है। श्वेता, श्वेता आए, आए। नमस्कार श्वेता जी, नमस्कार। आप? हाँ, आपका चाहने वाला, आपका प्रशंसक हूँ, जिसकी वजह से एक कलाकार कलाकार होता है। मेरा मतलब आपका शुभचिंतक। आप? जी, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपके शुभ दर्शन हो गए, मेरे मन को अपूर्व शांति मिली। शांति तो मेरे मन को मिली है आपके दर्शन करके। आप कितने महान इंसान हैं। आप बैठिए ना। बैठता हूँ। मैं उठता हूँ। वैसे भी दो इंसान बात करते हो तो तीसरा डिस्टर्ब करता है, क्यों श्वेता जी? गए थे मोहब्बत की जंग जीतने और तुम दबाकर भाग आए। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी अपने दिल की बात उसे कह भी सकोगे। कहूंगा, अगली बार जरूर कहूंगा। इसके जवाब में तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बस इतना कहूंगी कि आपकी शुभकामनाओं ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अजी, शुभकामनाओं को छोड़िए, मेरी तो हर कामना आप हैं। तन मन धन सब है तेरा। एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए। थैंक यू। माफ करना श्वेता, आज मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। तुम्हारा शुभचिंतक। अच्छा, तो आप मेरे शुभचिंतक हैं? जी। मैं आपकी कामना हूँ? जी। झूठे मक्कार लायर, शर्म नहीं आती इस उम्र में झूठ बोलते हुए? इडियट। हाय श्वेता। हेलो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारे आने से इन तमाम पेंटिंग का रंग और भी गहरा हो गया। शुक्रिया हुसैन साहब, जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हो रही है तो मैं दौड़ी चली आई। ये तो एक कलाकार ही दूसरे कलाकार की कदर कर सकता है। आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप तकलीफ करते हैं, हम खुद देख लेंगे। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, प्लीज। चलो, ये रंग कितना अच्छा है ना, ब्यूटीफुल। अरे, ये कैसे हो सकता है? श्वेता, ये हुसैन साहब के रिश्तेदार तो ही। श्वेता, ये तस्वीर तो हिल रही है। चल, तेरा चश्मा हिल रहा है। पहले दाएं तरफ देख रहा था, अब ये बाएं तरफ देख रहा है। नहीं, बाएं तरफ ही देख रहा था। दाएं तरफ देख रहा था। बाएं तरफ देख रहा था। दाएं तरफ देख रहा था। बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। उफ़ो, आपस में क्यों लड़ रही हो? मैं अभी पूछ कर आती हूँ कि ये किस तरफ देख रहा था। मैं भी आती हूँ। हुसैन साहब तो चले गए। वो भी चला गया। चलो ढूंढते उसे। डोंट मूव, आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा, डेफिनेटली मार दूंगा। आई शूट। कम कम ऑन स्वीटहार्ट। ए, गो बैक। छोड़ दो मुझे प्लीज। गो बैक।
Now move, sweetheart. That's like a good sweetheart. Come on, baby. Come on. आज हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं होगा। नहीं। तुम गाओगी, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, तुम गाओगी, गाओगी ना। हेलो स्वीटहार्ट। हेलो हेलो श्वेता, रोहित बोल रहा हूँ। ओह रोहित, अरे तुम हो कहाँ? आज दो दिन से मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। I'm sorry, कल मैं रिकॉर्डिंग में थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अरे ये तुम्हारी उम्र काम में नहीं प्यार में बिजी होने की है। चलो बोलो कहाँ मिलोगे आज। इम्पॉसिबल, मैं तो तुम्हें और 48 घंटे तक नहीं मिल सकती। दो दिन? नहीं 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 नहीं, मैं तो तुम्हें देखे बगैर अब एक भी दिन नहीं रह सकता हूँ, समझी? जब सारी दुनिया सो रही होगी ना, इंक्लूडिंग योर ग्रेट ब्रदर, तब तुम्हारा ये पागल प्रेमी तुम्हें मिलने आएगा, रात के 12 बजे। अच्छा, भैया से हजामत करवानी है? वैसे आई चैलेंज यू। आई एक्सेप्ट द चैलेंज। श्वेता देखी मेरी बहादुरी, आज मैंने दो दो चोरों को एक साथ पकड़ा। एक तो भाग गया लेकिन मैंने उसके साथी को पकड़ लिया। जाओ जाओ जाओ, जल्दी पुलिस को फोन करो। भैया, भैया को क्यों परेशान करती हो, उन्हें सोने दो। रोहित, यही मेरे शेखर भैया हैं। भैया मर गए। अरे रुक रुको भाई, रुको रुको, यही है रोहित, रात के 12 बजे के टेलीफोन वाले। श्रीमान रोहित कुमार जी, अब जरा सर तो उठाइए, जरा देखिए तो दे। भाई ये माजरा क्या है? कभी तुम अंधे भिखारी बन के नजर आते हो, कभी चोर के रूप में आते हो। शेखर भैया, भोलेनाथ ने पार्वती को पाने के लिए न जाने कितने रूप धरे थे, याद है ना? मैंने तो सिर्फ दो ही रूप धरे हैं। ये तो बड़े धार्मिक भी हैं। अच्छा, तो अब एक काम कीजिए, आप तीसरा रूप धरने के लिए तैयार हो जाइए। कौन सा? दूल्हे का। अरे रोहित, ये क्या मजाक है, ये ऑफिस है कोई घर नहीं। तू है जब बॉस मेरा तो मुझको कैसा डर, चाहे हो ये ऑफिस तेरा चाहे हो ये घर। अरे मगर हुआ क्या? हाँ, मेरे होने वाले साले ने हरी झंडी दिखा दी। अच्छा? इतनी अच्छी खबर सुनाकर तूने तो मुझे खुश कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कब खुश कर रहे हो यार? मैं बहुत जल्द। लगता है आपने अभी तक अपनी जानेमन को अपने प्यार के बारे में कुछ बोला ही नहीं। हाँ बोल दूंगा, बोल दूंगा। कब? जब तुम होंगे 60 साल के और वो होगी 55 की। कहो तो तुम्हारी तरह से मैं बोल दूं? जी नहीं,
आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही कह दूंगा। लेकिन कब? दिल की धड़कन कहती है तीस सी दिल में रहती है, दिल ही दिल में प्यार किया पर न कभी इजहार किया। रहना है तेरे दिल में, मुझे रहना है।
खाते पीते उठते बैठते एक ही तो नाम लेता हूँ मैं, श्वेता श्वेता श्वेता। कभी तो सीरियस हो जाए करो रोहित, लाइफ में नहीं तो कम से कम रोमांस में तो सीरियस हो जाओ। ओके, सुहाग रात को सीरियस हो जाऊंगा। जोकर फिर जो करता हूँ कर लेने दे। क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ, तुम ही नहीं तो पकड़ा हुआ है, छोड़ो ना। अरे कोई आ जाएगा। अपनी जाने मन से प्यार करता हूँ, छोड़ो ना। क्यों, जाना नहीं है, देर हो रही है, चलो चलो। अरे ये फूल यहाँ कौन रख के गया, ना कोई नाम ना पता। इसका मतलब वो यहाँ आए थे? कौन? शुभचिंतक। अगर यहाँ आए थे तो भाग क्यों गए? पता नहीं, शायद वो मुझसे डर के भाग गए। ठहरो, मैं उन्हें पकड़ के लाता हूँ। अच्छा, क्या हुआ, पकड़ लिया? नहीं, काश मैं उन्हें एक बार देख पाती। अगली बार मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। ओके ओके चलो।